डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और आज का हमारा नया टॉपिक है फोनेटिक्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम रीट एग्जाम की बात करें तो रीट के एग्जाम में 5 क्वेश्चन फोनेटिक्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। एक चीज, ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो टॉपिक ना कि रीट में बल्कि सेकेंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रीट एग्जाम में है। तो विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। तो हम सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि फोनेटिक्स में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले फोनेटिक्स में जितने भी वर्ड होंगे उनकी वोकैबुलरी होगी, उनकी डेफिनेशन क्या होगी याद रखना है। कुछ मैं आपको जैसे फोनेटिक्स क्या होता है ऐसे मैं आपको कुछ वोकैबुलरी के बारे में बताऊंगा, उनकी डेफिनेशन बताऊंगा, एक तो वो याद रखनी है। उसके बाद में जो फोनेटिक्स का जो आगे साउंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इंग्लिश में फोनेटिक्स क्या होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, फोनेटिक्स है वो एक स्टडी है, एक साइंस है जो स्पीच साउंड होते हैं उनकी। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच साउंड। फोनेटिक्स इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच साउंड। जो भी हम साउंड को स्पीच करते हैं, जो भी हमारी ध्वनियां निकलती है जब हम प्रोडक्ट करते हैं हमारे स्पीच को, जब हम बोलते हैं, तो जो हमारा जो स्पीच साउंड है उस स्पीच साउंड की जो स्टडी है, उस स्पीच साउंड की जो साइंस है, उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि फोनेटिक्स है वो क्या होता है। तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, फोनेटिक्स इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच साउंड। फोनेटिक्स है वो स्पीच साउंड की स्टडी है, यानी जब हम स्पीच साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस स्टडी को हम बोलते हैं क्या? फोनेटिक्स। आगे आता है इसकी एक और डेफिनेशन है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये स्टडी एंड स्पीच साउंड न देकर हम दूसरी एक डेफिनेशन और है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। वो ये है कि ऑन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम फोनेटिक्स को क्या कह सकते हैं? तो इट इज द साइंस विच एनालाइसिस एंड रिकॉर्ड्स साउंड्स, जो कि साउंड्स को, यह एक साइंस है, विज्ञान है जो एनालिसिस करता है और रिकॉर्ड्स करता है किसको? साउंड को। एंड द एलिमेंट्स ऑफ स्पीच एंड द एलिमेंट्स ऑफ द स्पीच। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी है डेफिनेशन और एग्जाम में इस दोनों डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली है फोनेटिक्स इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच साउंड, आर यू श्योर? आप याद कर लोगे, मुझे पता है। दूसरी है इट इज द साइंस विच एनालाइसिस एंड रिकॉर्ड्स साउंड एंड एलिमेंट्स ऑफ स्पीच। अब थोड़ा सा इसी और आगे जाते हैं तो एक वोकैबुलरी, एक इससे रिलेटेड नाम और आता है, वो है फोनोलॉजी। क्या है? फोनोलॉजी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स फोनोलॉजी क्या है, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं कि फोनेटिक्स की आपकी डेफिनेशन याद है, वैसे ही आपको फोनेटिक्स की डेफिनेशन भी आपको याद करनी है ताकि दोनों में आप अंतर कर सकें, क्योंकि फोनोलॉजी फोनेटिक्स नहीं है, इससे रिलेटेड है। वो क्या है? देखो, द फोनोलॉजी ऑफ ए लैंग्वेज, हिंदी में बताऊं आपको, ध्वनि विज्ञान जिसे कह सकते हैं, स्वर विज्ञान कह सकते हैं, जो साउंड का जो साइंस होगा, ठीक है, जो एक ब्राइड एरिया में होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन होगा इस सिस्टम का, वो होगा फोनोलॉजी। यानी जो फोनेटिक्स है वो इस फोनोलॉजी का पार्ट है। यानी अब आगे देखिए, द फोनोलॉजी ऑफ ए लैंग्वेज
The phonology of a language is description of system is description of सिस्टम, जो सिस्टम है स्पीच साउंड का सिस्टम उसका डिस्क्रिप्शन है फोनोलॉजी भाषा में. एंड पैटर्न और साउंड, एंड पैटर्न और साउंड दैट अकर्स इन दैट लैंग्वेज. भाषा के अंदर जो होते हैं साउंड्स होते हैं उनका जो पैटर्न होता है वो हमारी होती है फोनोलॉजी होती है. इसके बाद में नाम आता है फोनेटिक सिंबल, यानी फोनेटिक्स के सिंबल क्या है. जितने हमारे साउंड होंगे इंग्लिश के अंदर उतने ही हमारे क्या होते हैं सिंबल होते हैं. तो एक डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें कि इंग्लिश के अंदर सिंबल क्या होता है, फोनेटिक सिंबल को हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज फोनेटिक सिंबल, व्हाट इज फोनेटिक सिंबल, यानी फोनेटिक सिंबल क्या है. तो आई थिंक दैट स्टूडेंट्स की आपको फोनेटिक सिंबल्स की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए. तो फोनेटिक सिंबल की डेफिनेशन क्या है देखिए, इट मींस इसका मतलब होता है किसका, फोनेटिक सिंबल का. द सिंबल, द सिंबल जो सिंबल हम बात करें, द सिंबल रिप्रेजेंट द साउंड, इट मींस द सिंबल रिप्रेजेंट्स द साउंड. साउंड्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. जो सिंबल होगा वो साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो हमारे मुंह से कोई भी ध्वनि निकलेगी, जो भी साउंड निकलेगा वो साउंड उस पर्टिकुलर साउंड का एक क्या होगा, सिंबल होगा. यानी बोर्ड पे लिखा जाएगा, यानी आपकी नोटबुक में लिखा जाएगा, यानी रिटन के अंदर एक क्या होगा, उसका सिंबल होगा. यानी हम उस सिंबल को देखने के बाद पता लगेगा कि ये उस साउंड का सिंबल है. ठीक है, जो सिंबल रिप्रेजेंट द साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड निकलते हैं बाय ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, यानी हमारे स्पीच के ऑर्गन्स हैं उनसे प्रोड्यूस्ड होता है, बाय ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कॉल्ड फोनेटिक सिंबल, इट इज कॉल्ड फोनेटिक सिंबल, इसे फोनेटिक सिंबल कहा जाता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है, देखो फोनेटिक्स के बारे में आपने जाना, गुड. अब आता है देयर ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. अगर हम ट्रांसक्रिप्शन के वोकैबुलरी पे जाते हैं, उसके वर्ड के मीनिंग पे जाते हैं, तो उसका मीनिंग, उसका अर्थ होता है प्रतिलिपि. क्या होता है, प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी. ठीक है, यानी कोई भी कागज फोटोकॉपी वाले जो प्रिंटर है उसमें दिया और जो उसके एक प्रतिलिपि हमारे सामने आ गई, वैसी एक प्रतिलिपि है किसकी, साउंड की, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अगर डेफिनेशन के बारे में आ जाता है कि व्हाट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो वो आप डिस्टिंग्विश करेंगे, आप अंतर करेंगे फोनेटिक सिंबल में, फोनेटिक्स में, फोनोलॉजी में, एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में. तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. स्टूडेंट्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिस हम प्रतिलिपि की बात कर रहे हैं उसका मीनिंग यह है, इट मींस इसका अर्थ है द रिटन सिंबलाइजेशन, द रिटन सिंबलाइजेशन या लिखत में एक
सिंबल के माध्यम से लिखा हुआ है, उसके एक मतलब बहुत सारे उसके जो सिंबल होंगे, जो चिन्ह होंगे वो दिए जाएंगे रिटन के अंदर, ठीक है। सिंबलाइजेशन ऑफ द स्पीच साउंड, स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लो हमारा एक वर्ड है काइट, क्या है काइट। अब हमने काइट को जो लिखा है काइट, अब इसका स्पेलिंग की अगर बात करते हैं तो सी ए टी स्पेलिंग है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी प्रोनंसिएशन की फोनेटिकली अगर हम बात करते हैं तो ये है काइट है। और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है यानी इसके अंदर जो सिंबल काम में आ रहे हैं, जो सिंबलाइजेशन हो गया यानी इसको किस प्रकार से सिंबल में लिखा जाएगा, तो अगर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाता है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। यानी इस प्रकार से यदि आपको लिखा हुआ मिला है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। अब आप कर दोगे ट्रांसक्रिप्शन, यानी आपको ऐसे आइडिया लग जाएगा कि अगर फोनेटिक आता है तो अगर ऐसे से अक्सर आपको अगर कभी आपने देखे होंगे तो वो उसका डेफिनेटली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे सभी वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन का तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से आता है, सभी चीजों में आप क्या करेंगे, आप इनको आसानी के साथ सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। आगे हम बात करते हैं एक सिलेबल, ठीक है। एक वोकैबुलरी में एक शब्द आता है हमारे पास इससे रिलेटेड, वो है सिलेबल। सिलेबल को अगर हम बात करें हिंदी में इसे बोलते हैं शब्दांश, क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं, ठीक है। सिलेबल का मतलब है शब्दांश। अब शब्दांश क्या होता है, हम किसे कह सकते हैं कि एक शब्दांश है, ठीक है। तो आप देखिए ए शब्द का अंश, अगर हम इसके विच्छेद पे जाएं, संधि करें, संधि विच्छेद करें इसका, तो होता है शब्द प्लस अंश यानी शब्दांश हो गया, यानी शब्द का भी टुकड़ा है यानी शब्द से भी छोटा है ना। तो वैसे देखो ए सिलेबल जो एक शब्दांश होता है वो होता है इज ए वर्ड ए पार्ट ऑफ ए वर्ड। सिलेबल क्या है, इज ए वर्ड एक शब्द है, इज सिलेबल इज ए वर्ड, सिलेबल इज ए वर्ड इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड। सिलेबल एक शब्द है जो कि एक शब्द का भी क्या है, भाग है, ठीक है, उसका भी एक अंश है, और जिसको उच्चारित किया जाएगा वो हमारी वॉइस के सिंगल एफर्ट से होगा, यानी एफर्ट ज्यादा नहीं होगा, विच कैन बी अटर्ड बाय ए सिंगल एफर्ट ऑफ वॉइस, विच कैन बी अटर्ड बाय ए सिंगल एफर्ट ऑफ वॉइस, यानी वॉइस के केवल सिंगल एफर्ट से जो उच्चारित होगा उसे हम बोलते हैं सिलेबल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें अगर सिलेबल की, तो वो होता है देखिए इट यानी सिलेबल, इट इज ए यूनिट प्रोनंसिएशन, इट इज ए यूनिट प्रोनंसिएशन है, ये इकाई का उच्चारण है, इट इज ए यूनिट प्रोनंसिएशन, इट इज ए यूनिट प्रोनंसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ वोवल, जिसमें शामिल क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वोवल एलोन, यानी स्वर अकेले शामिल होते हैं, या वोवल विद वन और मोर कॉन्सोनेंट, यानी स्वर एक या उससे अधिक व्यंजनों के साथ, और वोवल विद वन और मोर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा सिलेबल और ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब ये थी हमारी इससे रिलेटेड थी हमारी एक शब्दावली थी कि हम फोनेटिक्स को क्या कहते हैं, फोनोलॉजी को क्या कहते हैं, फोनेटिक सिंबल क्या होते हैं, सिलेबल क्या होता है, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे स्पीच साउंड के बारे में, जो स्पीच साउंड है जो हमारा फोनेटिक्स का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं।
आई होप दैट कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छा सीखेंगे इसके फोनेटिक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अब देखो, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके अंदर दो चीजें हैं, आपको दोनों चीजों को अलग अलग रखना है। जब आप सीख रहे हैं तो दोनों मिक्सअप आपको नहीं करनी है, अलग अलग रखना है। एक तो होता है हमारा रिटन सिस्टम होता है, दूसरा होता है स्पोकन, यानी हम इसको राइटिंग कह सकते हैं और इसको स्पीकिंग कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो राइटिंग का हमारा काम है और एक स्पीकिंग का काम है, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो काम आएगा वो आएगा लेटर्स आएंगे, जिसको हम अक्षर कहते हैं, लेटर्स आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा? साउंड्स आएगा। क्या आएगा? साउंड्स, यानी ध्वनि आएगी। क्योंकि स्पीक करेंगे, बोलेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोडक्ट होगा, और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेटर के माध्यम से लिखेंगे। ओके, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। क्योंकि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं स्टूडेंट? यस गुड, कितने? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, लेकिन साउंड तो इंग्लिश में 26 नहीं होते हैं, साउंड इंग्लिश में कितने होते हैं? 44 साउंड होते हैं। तो दोनों अलग अलग है, तो एक चीज आप ध्यान रखें, लेटर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी साउंड्स और जो लेटर्स है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। लेटर रिटन का काम करते हैं और साउंड है वो स्पोकन का काम करते हैं, तो दोनों अलग अलग है। अब आप एक एग्जांपल से इसको और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं जिसमें आप देखेंगे मैंने लिखा श्यो, श्यो लिखा, उसके बाद में लिखा सन, उसके बाद में लिखा हैज। क्या लिखा? हैज लिखा। तो देखो इसमें यहां आपको मिल रहा है से, मिल रहा है सन में भी से का साउंड है और इसमें है जे का साउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि लेटर तो तीनों में क्या है, एस एस और एस, यानी लेटर तीनों में सेम है लेकिन साउंड क्या है, डिफरेंट है। यानी इसके अंदर क्या हुआ, सेम लेटर बट डिफरेंट साउंड, सेम लेटर बट डिफरेंट साउंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखो मैंने लिखा सेट, ठीक है, नेक्स्ट लिखा सेल्फ, उसके बाद में लिखा ग्रास, फिर लिखा साइकोलॉजी। यहां आप देखेंगे कि प्रोनंसिएशन, यहां पे साउंड देखो आप, इसका से 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 एंड से, और अब की बार देखेंगे आप एस सी डबल एस पी एस, तो सभी में क्या है, लेटर क्या है, अलग अलग है। यहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट लेटर, और साउंड कैसा है, डिफरेंट लेटर बट सेम साउंड। अब की बार साउंड है वो तो सेम है और लेटर है वो क्या है, डिफरेंट लेटर है। ठीक है, इससे आप एक चीज सीखे हैं कि हमारा जो लेटर है वो डिफरेंट हो सकता है, साउंड है वो सेम हो सकता है, सेम लेटर हो सकता है, डिफरेंट साउंड हो सकता है, इट डजंट मैटर, क्योंकि लेटर एक अलग चीज है और साउंड एक अलग चीज है। ठीक है, इस चीज को आप अंडरस्टूड किया आपने। अब जो हमारी जो टोटल साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें,
टोटल स्पीच साउंड की बात करें, टोटल स्पीच साउंड कितनी? 24। टोटल स्पीच साउंड कितनी है? 24 स्पीच साउंड है, ठीक है, 44 सॉरी, कितनी? 44 है टोटल स्पीच साउंड हमारे पास है 44, और लेटर हमारे पास कितने हैं? 26। इंग्लिश में लेटर होते हैं 26, साउंड होते हैं 44, यानी ये जो 26 लेटर है, ठीक है, इन्हीं से ही हमारे 44 साउंड्स होते हैं, ठीक है, यानी साउंड टोटल, अगर एग्जाम में अगर बहुत ही इजी सा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं कि 44 साउंड होते हैं, ठीक है। आगे देखो, इन 44 साउंड्स को दो भागों में क्लासिफाई किया है इसको। पहला है जिनको हम बोलेंगे वोवल साउंड्स, जिनको बोलेंगे वोवल साउंड यानी स्वर की ध्वनियां, वोवल साउंड। सेकंड जो हमारा है वो है कंसोनेंट साउंड। सेकंड है वो क्या है? कंसोनेंट साउंड है। तो अब देखो इनकी संख्याएं कितनी कितनी है। जो वोवल स्टूडेंट होते हैं, जो वोवल साउंड होते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं 20। वोवल साउंड कितने होते हैं? 20। और जो कॉन्सोनेंट के जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? 24। ठीक है, दोनों को हम मिलाएंगे तो 20 ऐड करेंगे 24 में, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, यानी टोटल 44 साउंड हो जाएंगे हमारे। तो 20 इसके वोवल साउंड है। वोवल साउंड को हम बोल सकते हैं वोकॉइड्स। क्या बोल सकते हैं? वोकॉइड्स बोल सकते हैं। वैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड को हम बोल सकते हैं कॉन्ट्राइड्स बोल सकते हैं। अगर पूछ ले कॉन्ट्राइड्स कितने होते हैं, कोई ऐसे ना पूछे कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बड़ा डिफरेंस कॉन्सोनेंट साउंड में और वोवल साउंड में, ठीक है। ये जो होता है, जो वोवल साउंड होता है वो होता है फ्रिक्शनलेस होता है। और इसमें होता है जी फ्रिक्शन होता है, विद फ्रिक्शन है। कॉन्सोनेंट फ्रिक्शन का कंपन है, विद फ्रिक्शन है ये। जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो फ्रिक्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वोवल साउंड को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो वोवल साउंड स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार है वो होता है मोनोफोन्स। कौन सा? मोनोफोन्स है। और मोनोफोन्स कितने होते हैं? 12। दूसरा है वो है डिफथोन्स। और स्टूडेंट्स जो डिफथोन्स होते हैं वो होते हैं 8, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा मोनोफोन्स 12 और डिफथोन्स 8। मोनोफोन्स क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं प्योर वोवल साउंड्स। क्या बोलते हैं? प्योर वोवल साउंड बोलते हैं, यानी शुद्ध स्वर की ध्वनियां है, प्योर वोवल साउंड्स, ठीक है। दूसरा इसका नाम है प्योर वोवल साउंड, और इसके साथ कह सकते हैं इसको सिंगल वोवल साउंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंगल वोवल साउंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफथोंग्स के बारे में, जिनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। डिफथोंग्स है, इनको बोलते हैं हम वोवल ग्लाइड्स। क्या बोलते हैं? वोवल ग्लाइड्स बोलते हैं, या इनको बोल सकते हैं मिक्स्ड वोवल साउंड्स, यानी वोवल को मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, या इसको जॉइंट वोवल साउंड कह सकते हैं। या डबल वोवल साउंड कह सकते हैं, यानी दो वोवल होते हैं, प्रोडक्ट एक ही साउंड होता है, वोवल दो जुड़ गए साउंड एक ही प्रोडक्ट होगा। अब देखें एक बार मैं इसको
जो क्लासिफिकेशन हमने किया है साउंड को, एक बार मैं इसको रिकॉल करवा देता हूं। टोटल हमारे एस में स्ट्रीट साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। जो 26 लेटर है हमारे, यहां जो 26 लिखा है इसको आप क्या मानना है, ये 26 लेटर है जो रिटन के अंदर काम में आते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखें, वोवेल साउंड होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जिनको वोकोइड्स कह सकते हैं। दूसरा कंसोनेंट साउंड जिनकी संख्या होती है 24, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स कह सकते हैं, वो विद फ्रिक्शन प्रोडक्ट होते हैं। आगे ये फ्रिक्शन लेस है, आगे पढ़ेंगे। वोवेल साउंड को हमने क्लासिफाई किया मोनोफोन्स के अंदर, मोनोफोन्स की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, यानी 12 होती है। और डिफथोंग्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो मोनोफोन्स है उनको हम बोल सकते हैं प्योर वोवेल साउंड्स कह सकते हैं, या सिंगल वोवेल साउंड कह सकते हैं, यानी ये सिंगल होते हैं। डिफथोंग्स की अगर बात करें, डिफथोंग्स वोवेल ग्लाइड होते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड होता है, जॉइंट हो जाता है, कैरी ओवर हो जाता है, तो वोवेल ग्लाइड्स यहां पे लिखा हुआ है, 8 इनकी संख्या होती है। दूसरा नाम इसको मिक्स्ड वोवेल साउंड इसलिए कह दिया कि इसमें एक दो साउंड है वो आपस में मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन साउंड सिंगली प्रोडक्ट होता है। जॉइंट वोवेल साउंड, ये जॉइंट वोवेल साउंड भी इसको कह सकते हैं। तो 12 और 8 मिला के टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 20 वोवेल साउंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। अब आगे हम इसकी डिटेल से, जैसे मोनोथोंग्स किसे कहते हैं, इनकी डिटेल पढ़ेंगे। मोनोथोंग्स में कौन कौन से साउंड होते हैं, कौन कौन से उसके की वर्ड होते हैं वो पढ़ेंगे। डिफथोंग की डिफथोंग्स है वो, और क्या कह सकते हैं डिफथोंग्स को, क्या कह सकते हैं डिफथोंग्स में कौन कौन से वोवेल साउंड होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स, की आपने अभी तक जो मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड की फोनेटिक्स की, फोनोलॉजी की, सिलेबल की, ट्रांसक्रिप्शन सिंबल व्हाटएवर, और उसके साथ आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीच साउंड मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर इफ यू हैव फेस एनी डिफिकल्टीज टू रिलेट दिस मटेरियल, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।